वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना जहां चौधरीज किचन। गाइस आप सबका बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी कि मैम आप अपना होम टूर कर रही है, तो गाइस आज मैं आप सबको अपना होम टूर कराने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगी और तभी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी, मजे आएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं ब्लॉग को। गाइस मेरे पिछले सभी वीडियोस को इतना अच्छा व्यू देने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको थैंक्स। और गाइस अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके लिए आपको एडवांस में थैंक्स। तो चलिए गाइस आप दिखाते हैं अपना होम आपको। गाइस ये मेरा ऑफिस है, ये आप देख सकते हैं ये मेरे लैपटॉप है और ये छोटा सा ऑफिस है। गाइस इसी में मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ। गाइस ये मेरा यूट्यूब पर ब्लॉग का चैनल है, आप देख सकते हैं वीडियोस मैंने ये अपलोड किया है। तो इस तरह से और भी मैं नई नई वीडियोस नई नई टॉपिक पर अपलोड करती रहूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी बनाई हुई सभी वीडियोस आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज ये मेरी कुकिंग की चैनल है, इस पर आप देख सकते हैं कि मैंने 775 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, एक से एक लेटेस्ट वीडियो मैंने दी हुई है इस चैनल पर। तो आप लोगों ने अगर मेरी कुकिंग की चैनल नहीं देखी है तो मेरी कुकिंग चैनल पर जाइए, मेरे वीडियोस को देखिए, आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यानी कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिए या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर भी कीजिए। मैंने सोफा भी रखी हुई है, साथ ही मैंने डाइनिंग टेबल रखी हुई है। चलिए गाइस अब मैं आपको जल्दी खाती हूँ। ट्रेडिशनल तरीका से बनाया हुआ है तो जो कि मैं यहाँ पर कुकिंग करती हूँ। गाइज ये है मेरी बालकनी और अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में। ये मेरी फर्स्ट बेडरूम है। गाइज ये मेरी फर्स्ट बेडरूम है, अब एक बेड है और एक ट्रंक रखा हुआ है।
जो छोटे मोटे सामान होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो हमने इसमें रखा हुआ है। और ये एक कबर्ड है, साथ में ये मेरा अलमीरा। गाइस ये मेरा स्टोर रूम है, आप स्टोर रूम में आप देख सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये स्टोर रूम है, जैसे सामान भरा हुआ है। साथ ही में मैंने भगवान जी को भी यहीं पे रखा हुआ है, तो ये मेरा पूजा रूम भी है। और चलिए गाइस आपको हम दिखाते हैं अपना सेकंड बेडरूम। गाइज ये है मेरी सेकेंड बेडरूम, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं है। गाइज ये है मेरा आंगन, आंगन में भी शैडो डाला हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है हम कुछ सामान रख लेते हैं। गाइज ये मेरा आंगन है, बहुत ट्रेडिशनल, और ये पेड़ देख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, हमें ऐसा फील होता है कि हम अपने गांव में ही हैं। शहर में रहकर ऐसा घर कहाँ मिलता है, तो ये ऊपर वाले की दया है कि मुझे शहर में रहते हुए गांव का सुख मिल रहा है, गांव का लुक और गांव का स्टाइल, गांव स्टाइल में लाइफ जीने का अवसर मिल रहा है। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने स्टूडियो तक। मेरा स्टूडियो घर से यानी कि आंगन से थोड़ी दूरी पर है। तो गाइस ये मेरे किचन गार्डन है, और अब मैं आप देख सकते हैं कि मैं अपने स्टूडियो में एंट्री कर चुकी हूँ। मेरे स्टूडियो को तो आप पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि मैंने इस स्टूडियो में 700 रेसिपीज तैयार किया हुआ है और इसे अपलोड कर चुकी हूँ। तो आई होप कि आप सब इस स्टूडियो को जानते होंगे। इसकी इनॉग्रेशन की व्लॉग मैंने कुकिंग वाले चैनल पर डाली हुई है, तो गाइस आप मेरे कुकिंग चैनल पर जाते हैं तो वहां इस इनॉग्रेशन की व्लॉग जरूर देखें। गाइस ये मेरी स्टूडियो है, इसे तो आपने बहुत बार देखा होगा रेसिपीज में, तो इसे तो आप लोग परिचित होंगे। और अगर गाइस आप लोगों ने मेरी कुकिंग चैनल नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं एक से एक लेटेस्ट वीडियो न्यू रेसिपीज भेज रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पर ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। वैसे अगर आपको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरी ये होम टूर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।